Hello students, welcome to Tiwari Academy. In this video, we will solve question number 5 and 6 of exercise 10.6. Question 5 mein diya hua hai, prove that circle drawn with any side of a rhombus as diameter passes through the point of intersection of its diagonals. तो इस question में दिया हुआ है, देखिएगा इस figure में हम देख पा रहे हैं कि ABCD is a rhombus और इसके जो diagonals है वो AC और BD हैं. These are two diagonals of rhombus ABCD जो कि bisect करते हैं each other at right angles. ये देखेगा कि ये right angle पर bisect करते हैं, ये property होती है rhombus की. So this AOB will be equal to BOC is equal to AOD is equal to OCOD is equal to 90 degree. हमने इसमें prove करना है कि circle drawn on AB, हमने AB पर एक circle draw किया हुआ है. So ये circle drawn on AB as diameter it will pass through the point O. तो करते हैं इसको proof. Construction में देखिए हमने क्या करना है कि O से हमने from O draw PQ parallel to PQ, हमने line parallel to AD draw की हुई है. PQ देखिएगा figure में, PQ parallel to AD हमने draw किया हुआ है और AD is parallel to BC. एंड इसी तरह से दूसरी लाइन हमने जो कि EF है, EF ड्रॉ की है विच इज पैरेलल टू AB, दिस इज पैरेलल टू AB, ये हमने ड्रॉ की हुई है एंड AB इज पैरेलल टू CD. सो नाउ एज AB इज इक्वल टू CD, देखिएगा AB इज इक्वल टू CD दिया हुआ है, तो अगर इसको हाफ से डिवाइड करेंगे इट इज हाफ ऑफ CD. And half of AB क्या है? Half of AB is AQ. And half of CD is PD. तो हम कह सकते हैं कि AQ is equal to PD. इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि BQ is equal to CP. BQ is equal to CP. And देखिएगा AQ is equal to PD होगा और it will also be equal to OE. Similarly, BQ is equal to CP हमने प्रूव किया हुआ है, BQ is CP and it is equal to OF, क्योंकि O क्या है? Midpoint of PQ है. So, similar way में हम कह सकते हैं, अगर हम PQ की बात करें, देखिएगा कि AD is equal to BC, यहाँ ले लेते हैं, AD is equal to BC, so AD by 2 will be equal to BC by 2. और AD by 2 क्या है? AD by 2 is AE. AE is equal to BC by 2 is BF. So हम AE is equal to BF कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि ED is equal to this, ED is equal to CF कह सकते हैं. ठीक है, तो यहां हम क्या देख पा रहे हैं, अगर हम ABCD rhombus की बात करें और हमने EF parallel to AB और PQ parallel to AD ड्रॉ किया हुआ है, तो ये इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और ये जो चारों इक्वल पार्ट्स होंगे ये भी रोमस होंगे. तो क्या है कि ये चारों साइड अगर हम देखें फिगर में क्या देख पा रहे हैं, AQ विल बी इक्वल टू OQ. ओके, और इसी तरह से यहाँ पर इस रोमबस में, यानी रोमबस अभी हमने बात की थी AQ OE की, और दूसरे रोमबस की बात करें OQ BF की, तो QB is equal to BF is equal to OQ is equal to OF होगा. तो इस मतलब फाइनली हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, सो वी कैन से कि AQ is equal to OQ is equal to BQ. तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम AQ रेडियस का अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो वो डेफिनेटली ए पॉइंट से, ओ पॉइंट से और बी पॉइंट से होकर जाएगा. सो ए बी विल बी डायमीटर. सो ये जो हमने लिखा हुआ है इस स्टेटमेंट से हम कह सकते हैं कि ए सर्कल ड्रॉन विद क्यू एस सेंटर, एस सेंटर फिगर में भी हम देख पा रहे हैं,
and radius AQ, it will passes through the points A, O and B. So यही हमने प्रूव करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, द सर्कल थ्रू ए बी एंड सी इंटरसेक्ट सी डी प्रोड्यूस इफ नेसेसरी एट ई, प्रूव दैट AE इज इक्वल टू दिस, AE इज इक्वल टू AD हमने प्रूव करना है. तो स्टूडेंट देखिएगा, दिस पॉइंट इज A एंड दिस इज E, दिस E A E, A पॉइंट, E पॉइंट, C पॉइंट और B पॉइंट लाई कर रहा है सर्कल पर. तो हम कह सकते हैं कि B A E C विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. सो ये जो B A E C इट विल बी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. It will be cyclic quadrilateral. So यहाँ पर B, दूसरा जो parallelogram दिया हुआ है, ABCD is a parallelogram. ABCD is parallelogram. ये दिया हुआ है. तो देखिएगा, हमने कुछ angles indicate किए हुए हैं, mention किए हुए हैं. ये ADE को one angle one से denote किया हुआ है, AE को two से denote किया हुआ है, CDE three and ABE, ABC को four से denote किया हुआ है. अगर हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो साइक्लिक देखिएगा, यहाँ पर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट एंगल का सम होता है वो 90 डिग्री होता है. इस प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे. तो इससे पहले देखिएगा कि एंगल, अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, सो ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, वी कैन राइट एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4. सो दिस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 4 एज पर द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम. सो ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, ये हम रीजन लिखेंगे इसमें. दूसरा, अगर हम एंगल 1 और 3 की बात करें, देखिएगा क्योंकि सी स्ट्रेट लाइन है और डी ए इस पर स्टैंड करती है, डी एंड डी सी आर द अपोजिट रेज, डी ए स्टैंड करती है इस पर, तो 1 और 3 लीनियर पेयर होंगे. तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. ये यहां लिखेंगे हम लीनियर पेयर. इस प्रॉपर्टी के कारण 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. और क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंगल 2 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. सो इस इक्वेशन को 1 एज्यूम कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं. अब देखिएगा, इक्वेशन 3 को हम मॉडिफाई कर सकते हैं. सो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 से हमने, क्योंकि 4 देखिएगा यहां पर, देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो हम 2 को 2 को हमने एक्चुअली करना है मॉडिफाई. सो इक्वेशन 2 में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 180, 3 को हम 4 के इक्वल रख सकते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन से पुट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4. तो वी कैन से 1, ये जो है ना आपका, ये जो 3 की जगह ये 4 आ जाएगा. सो एंगल 1 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. इक्वेशन 4 फॉर्म हो गई. अब इक्वेशन 3 और 4 से देखेगा, 2 प्लस 4 180 है. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, 2 प्लस 4 इज 180, 1 प्लस 4 इज 180. तो हम क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 4 कैंसिल हो जाता है. तो फाइनली हम कह सकते हैं एंगल 2 इज एंगल 1. सो यहां पर देखिएगा, इस फिगर में एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 हमने प्रूव किया हुआ है. तो अगर एंगल 2 इज इक्वल टू, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो एज पर द
थ्योरम, इनके सामने की जो साइड होगी इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एडीई में, इन ट्रायंगल एडीई एंगल 2 इज 1, तो हम कह सकते हैं 2 के सामने की साइड क्या है, 2 के सामने की साइड इज एडी, और एंगल 1 के सामने की साइड क्या है, इट इज एई, ये दोनों इक्वल होंगी, सो मींस ए इज इक्वल टू एडी, यही हमने प्रूव करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग तिवारी अकेडमी।